हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ये नाइट आउट पार्टी मेकअप लुक, जो कि बहुत ही आसानी से मैंने क्रिएट किया है, बहुत ही ईजी से करना। अगर आपको किसी के बर्थडे में जाना है या फिर अगर आपको न्यू ईयर के लिए कोई मेकअप लुक चाहिए तो आप ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। और इसे क्रिएट करना बहुत ही आसान है और आप इसे बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो, और बहुत ही कम प्रोडक्ट में मैंने इसे क्रिएट किया है और इतना प्यारा लग रहा है ना ये मेकअप लुक। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरे ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और इसे बहुत ही ईजी आप क्रिएट कर सकते हो, इसलिए ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको जानना है कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया और कौन कौन से प्रोडक्ट का यूज़ किया है तो मेरी वीडियो को आप देखते रहना लास्ट तक। और हाँ, मैंने इसमें एक हैक भी शेयर किया है तो आपको वो हैक देखना चाहिए, क्योंकि वो हैक बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, ये मामा अर्थ एक्वा ग्लो जेल फेस मॉइस्चराइज़र है। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही अच्छे से मेरे फेस को मॉइस्चराइज़ कर देता है। अभी विंटर है तो बहुत ही ज़्यादा फेस ड्राई हो जाते हैं, इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है। फेस और नेक दोनों तरफ मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र को। मॉइस्चराइज़र लग चुका है और अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। तो ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है, NYB का है ये, और अच्छा प्राइमर है। विंटर में आपको हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैंने हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाया है। अच्छे से अपने टी जोन एरिया पर लगाऊंगी। प्राइमर तो लग चुका है और अब मैं थोड़ा सा ग्लो ऐड करने के लिए स्टोप क्रीम लगा रही हूँ। तो ये है NYB का, इसमें मैंने कलर लिया है पिंक टॉपेज। आप चाहो तो सिल्वर या फिर गोल्डन भी ले सकते हो। अब पार्टी में जाना है तो थोड़ा सा ग्लो तो चाहिए ही होगा, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन पार्टी में जाना है तो फिर ग्लो ऐड करना बनता है, इसलिए मैंने ये वाला लिया है स्टोप क्रीम। ये देखो कितना अच्छा ग्लो देता है आपके फेस को, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है इससे। फिर मैं लगाऊँगी फाउंडेशन, लगाऊँगी मैं ये है माई ग्लैम का फाउंडेशन। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, इसका कवरेज बहुत ही अच्छा है, फुल कवरेज है ये। ये बहुत ही ज़्यादा ले लिया था मैंने, डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस और नेक पे लगाऊंगी। एक से दो पंप में आपके पूरे फेस और नेक कवर हो जाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। बहुत ही अच्छा कवरेज है इसका, इसको लगाने के बाद मुझे कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत ही अच्छे से आपके स्पॉट्स को कवर करता है। बहुत ही अच्छा कवरेज है इसका, ये देखो बहुत ही अच्छे से मेरे पूरे फेस का ब्लेंड भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। ये देखो मैंने पूरे फेस और नेक पर लगा लिया है इसे, और अब फाउंडेशन तो अच्छे से लग चुका है। और अब मैं लगाऊंगी कंसीलर। कंसीलर में मैंने लिया है मैबलिन का कंसीलर है ये, इसमें मेरा शेड है 50 Fair, और इसे मैं कुछ एरियाज़ को हाईलाइट करने के लिए लगा रही हूँ। तो ये देखो बहुत ही अच्छे से मैं लगा लूँगी, और ये मैं फिर ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर के हेल्प से, और अंडर आई को अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी क्रीज ना बने। ये देखो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जॉ लाइन को मैंने हाईलाइट किया है, और फिर मैं करूँगी कॉन्ट्रोल। अच्छे से पहले कंसीलर को ब्लेंड कर लेते हैं और फिर मैं करूँगी कॉन्ट्रोल। कंसीलर ब्लेंड हो चुका है और अब मैं करूँगी कॉन्ट्रोल। कॉन्ट्रोल मैंने एक हैक की टेक्निक से किया है, जो मैंने आपको बताया कि मैं एक हैक आप सबके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो ये वही हैक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये हैक सुपर मॉडल चीक बोन हैक है। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क भी करता है, मुझे बहुत ही पसंद आया ये हैक, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से कॉन्ट्रोल कर देता है आपके फेस को, बहुत ही अच्छा शेप दे देता है आपके फेस को। मैं इसी टेक्निक से अब हमेशा कॉन्ट्रोल करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। कॉन्ट्रोल तो हो चुका है और अब मैं करूँगी बेकिंग। बेकिंग के लिए मैं बता दूँ कि लूज़ पाउडर इस तरीके से लगाते हैं और फिर इसे कुछ देर तक छोड़ देते हैं ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। तो मैं इसे इस तरीके से लगाने के बाद कुछ देर तक छोड़ दूँगी। अपने आईलिड पे लूज़ पाउडर से मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी, क्योंकि वहाँ मुझे आई शेडो लगाना है, मेकअप करना है, आई मेकअप करना है, इसलिए मैं वहाँ सेट कर लूँगी। और इसे जैसे मैंने लूज़ पाउडर अपने फेस पे लगाया है, अंडर आई पे, जॉ लाइन पे, इस तरीके से मैं इसे छोड़ दूँगी। और फिर मैं अपना आईब्रो बनाऊँगी। आईब्रो बनाने के लिए मैंने दो कलर लिया है, ब्लैक और ब्राउन शेड मिला करके मैं अपने आईब्रो को फिल करती हूँ हमेशा, क्योंकि ब्लैक से अगर मैं सिर्फ करती हूँ तो मेरे आईब्रो बहुत ही ज़्यादा फेक दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे चिपकाए हुए से आईब्रो लगते हैं, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता। और जब मैं ब्राउन मिलाकर लगाती हूँ तो बहुत ही अच्छा नेचुरल फिनिश आता है इससे। तो मेरे आईब्रो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हैं, इसलिए मैं दो कलर मिलाकर लगाती हूँ। और फिर मैं स्पूली के हेल्प से अपने आईब्रो को अच्छे से कॉम कर लूँगी, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव कर लूँगी, और अब मैं करूँगी आई मेकअप। आईब्रो हो चुका है और अब मैं करूँगी आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने एक न्यूड शेड लिया है और अपने पूरे आईलिड पे लगाया अच्छे से ब्लेंड करके।
और एक जादू हुआ था यहाँ पे, और मेरे दोनों आँख पे अचानक से आई शेडो लग गए थे इस तरीके से ब्लेंड होकर के। इस तरीके से आपको भी लगा लेना, मुझे पता है कि आपके साथ ऐसा जादू नहीं होने वाला, आपको खुद लगाना होगा। और अब मैं लगाऊंगी एक ग्रीन आई शेडो। ये आई शेडो मैं अपने आई के सेंटर पे लगाऊंगी, जहाँ मैंने आई शेडो नहीं लगाया था वहाँ मैं लगाऊंगी। ये मेटालिक शेड है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाइट सिमर है इसमें, ये बहुत ही ज़्यादा चंकी चंकी सा नहीं है, बहुत ही अच्छा है ये। और अब मैं लोअर लैशन पे सेम आई शेडो लगाऊंगी जो मैंने ऊपर लगाया है, सेम आई शेडो मैंने अपने लोअर लैशन पे लगाया और जादू से दोनों ही आँख पे लग गए फिर से। और अब मैं लगाऊंगी काजल, और काजल को लगाने के बाद मैं स्मज कर लूँगी सेम आई शेडो से जो मैंने लोअर लैशन पे लगाया है या फिर आईलिड पे लगाया है। सेम आई शेडो से मैं लोअर लैशन पे ब्लेंड कर लूँगी काजल को। मैंने वाटरलाइन पे काजल लगाने का नहीं सोचा था, मैंने सोचा था वाइट काजल लगाऊंगी, लेकिन मुझे ब्लैक काजल ही लगाना पड़ा क्योंकि वाइट काजल अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने फिर ब्लैक काजल यूज़ किया अपने वाटरलाइन पे भी। ऊपर साइड भी मैं लगाऊंगी काजल, और फिर मैं अपने लैसेस को कर्ल कर लूँगी। ये लेस कलर है NYBA का, और ये लेस कलर बहुत ही अच्छे से मेरे लैसेस को कर्ल कर देता है अच्छे से। दोनों लैसेस को कर्ल करने के बाद मैं मस्करा यूज़ करूँगी। ये मस्करा है माई ग्लैम का, और ये बहुत ही अच्छा मस्करा है, बहुत ही अच्छा मस्करा, ये मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छे से मेरे लैसेस को कर्ल कर देता है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है। इस मस्करा को लगाने के बाद मुझे फेक लैसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मस्करा है, बहुत ही अच्छे से मेरे लैसेस को कर्ल कर देता है। और मैंने जो बेकिंग किया था आई मेकअप के बाद, मैंने उसे क्लीन कर लिया है एक ब्रश के हेल्प से। अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं सारे एक्स्ट्रा पाउडर को, जो लूज़ पाउडर मैंने यूज़ किया था बेकिंग के लिए, उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अब मैं लगाऊंगी ब्लश। ये पॉपेक्सो का ब्लश है, इसमें मैंने दो कलर ऐड किया है, दो कलर ऐड करके मैं लगाऊंगी ब्लश। ब्लश भी लग चुका है अच्छे से, ब्लश लगाना मुझे बहुत ही पसंद है, और ब्लश लग चुका है। और अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। हाइलाइटर मैंने मार्स का यूज़ किया है, और इससे मैं अच्छे से अपने इनर कॉर्नर हाईलाइट करूँगी, ब्राउ बोन हाईलाइट करूँगी, और फोरहेड, नोज़, चिक बोन, चिन, क्यूपिड बो अच्छे से हाईलाइट करूँगी। तो फेस हाईलाइट हो चुका है, और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक भी मैंने पॉपेक्सो का यूज़ किया है, और ये कलर बहुत ही अच्छा है, मैं शेड मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो देख सकते हो। और लिपस्टिक भी लग गया है, और अब मैं अपने मेकअप को सेट कर लेती हूँ। तो ये मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लिया है, और इससे मैं अपने मेकअप को सेट कर लूँगी अच्छे से, और मेरा मेकअप भी सेट हो चुका है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, साइड के बेल बटन भी प्रेस कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।